some other things were going on so because of which i could not bring it earlier but it's okay it's never too late now that we have come uh, up with exam analysis video i hope i can help you with the, the questions and the answers चौदह अक्टूबर के पेपर में पूछे गए थे एंड ऑल्सो गाइज जिन भी ने बाकी के तो एग्जाम का एग्जाम पैटर्न आ रहा है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये भाई डिफिकल्टी लेवल चल रहा है और ये अभी ऐसे क्वेश्चंस है जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं उससे होगा क्या इट विल हेल्प यू गाइज टू यू नो आपको पता पड़ेगा कि मुझे किस एक होता है ना कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितना किस हद तक प्रिपेयर करना है बिकॉज गाइज इतना ईजी नहीं चल रहा है अभी एग्जाम लेट मी जस्ट टेल यू मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करी है उनसे हमें ये पता चला है कि अभी जो जीके का लेवल आ रहा है जीएस का लेवल आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है मतलब इट्स नॉट इजी मतलब यू कैन नॉट कॉल इट इजी तो मॉडरेट का हो चाहे डिफिकल्ट का हो एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन लेवल कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो ऑब्वियसली जो डिफिकल्ट चीज होती है वो भी आसान बन जाती है बिकॉज यू नो इट बताते ही बताते हैं। उसके साथ जिससे की आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स पता चले जस्ट इनकेस अगर उनसे कोई क्वेश्चन बन के आता है तो फिर आपको पता होगा इसीलिए आपको उन सब चीजों की हेल्प करने के लिए वी कम अप विदिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब नहीं तो पिट्टी खा जाओगे सो <laughs> या so, yeah, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट दैट कम फ्रॉम आर एंड एंड कोई भी किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए मतलब इफ़ यू वॉन्ट अस टू प्रिपेयर फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना इट्स ऑल योर्स

यू uh, नो you know, रखे हैं सो दिस इज इंपॉर्टेंट याद रखना नेक्स्ट इज इज मेला तो मेला सेलिब्रेटेड इन स्टेट तो जो होता है ये गुजरात स्टेट में लगता है और इसका पूरा नाम जो है वो है भावनाथ महादेव मेला तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है एंड दिस इज सेलिब्रेटेड नियर द भावनाथ महादेव टेम्पल भावनाथ महादेव टेम्पल के पास में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जो कि माउंट गिना गिरनार जो है वहां पे uh, Uh, गुजरात में वहां पर यू नो लोकेटेड है और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड एट द फुटेज ऑफ माउंट गिरनार इन द जूनागढ़ सिटी ऑफ गुजरात तो ये सारी ही चीजें याद रखना नेक्स्ट सोनल मानसिंगलो क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए जानी जाती हैं। उसमें उन्होंने अपने के 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 से जो भी मतलब उस के contribution के लिए अपना दिया है योगदान जो भी उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं और जो सोनल मानसिंह थी शी वॉज द यंगेस्ट मतलब जब उनको पद्म भूषण मिला था 1992 में तो शी वॉज द यंगेस्ट टू रिसीव पद्म भूषण इन दर ईयर 1992 एंड उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था इन द ईयर 2003 उसके अलावा गई इस कुछ फेमस भरतनाट्यम डांसर्स के नाम आप यहाँ पे देख लो क्योंकि यू नेवर नो अगर इनमें से किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो फेमस भरतनाट्यम डांसर्स में आपके आ जाते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति सोनलमान सिंह रुक्मणी देवी लैला सैमसन पद्म सुब्रमण्यम अलार नीलवल्ली मृणालिनी सारा भाई मल्लिका सारा भाई मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, वैजंती माला स्वप्न सुंदरी रोहिंटम कामा और बाला सरस्वती ये कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने भरतनाट्यम डांस फॉर्म में अपना नाम काफी बनाया है और कमाया है तो इसको अच्छे से याद रख लेना नेक्स्ट इज फेमस ओडिसी डांसर्स तो कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार जिन्होंने ओडिसी डांस फॉर्म में अपना नाम बनाया है कमाया है तो वो भी आपको याद रखना है जैसे कि संयुक्त पानी सहगल माधवी मुदगल कालीचरण पटनायक ये जो है ये फेमस ओडिसी डांसर्स है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया तो गाइज कबड्डी जो है इसका ओरिजिन इज होल एंड सोल इंडियन

से रेफर किया जाता था मतलब सिख क्रिमिनल हो गया सिख प्रिजनर हो गया इस तरह से बोलते थे सिख कैदी तो सिख इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज अनीता शर्मा इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस तो गाइज जो अनीता शर्मा है वो सत्रिया जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है एसोसिएटेड है तो सत्रिया इज द करेक्ट आंसर इसके अलावा अगर अनीता शर्मा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगी सो अनीता शर्मा इज अ लीडिंग सत्रिया एक्सपोनेंट एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड कंपेलिंग डांसर्स ऑफ इंडिया तो ये चीज भी आपको याद रखनी है अनीका जो है अनीता जो है उन्होंने कॉन्कर्व करा है एक इनवायबल प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ सत्रिया सत्रिया में इतना मतलब उनका नाम है दैट शी इज नोन मच मोर

नृत्याचार्य जतिन गोस्वामी तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि उन्होंने किससे सीखा है ये डांस किसके अंडर उन्होंने काम किया है सो पद्मश्री नृत्याचार्य जतिन गोस्वामी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज हु बुक वृहद कथा कोश तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है हरीसेन और जो हरी सेन है ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर एंड पोएट हु लिव्ड इन द फोर्थ सेंचुरी सीई और जो वृहत कथा कोश है कलेक्शन ऑफ एंशियंट जो इंडियन फोक लेजेंड्स थे और उनसे रिलेटेड उनकी बातें पोएम्स काफी घटना uh, you know, uh, हो गया या कुछ चीज हो गया उनसे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी सो हरीसन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज वेयर डज महानंदा रिवर ओरिजिनेट्स तो गाइज जो महानंदा रिवर है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मालदी राम जिसको महलदी राम भी बोलते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर है और बात करें महानंदा रिवर की तो गाइज दिस रिवर रिवर इज अ जो कि नॉर्दर्न इंडिया और बांग्लादेश में आपको पाई जाती है उसके बाद ये दार्जिलिंग में uh, बात करें तो दार्जिलिंग के हिल्स uh, जो हैं जो कि एक्सट्रीम नॉर्दर्न वेस्ट साइड में है नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल स्टेट में जो है

और इसको मालाबार रिबेलियन के नाम से भी काफी ज्यादा जाना जाता है सो मोपला रिबेलियन इज अ अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट अकर्ड सेंचुरी अगो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग ईयर ऑफ द मोपला रिबेलियन 1921-22 में ये हुआ था और ये किसने लीड करा था सो इट वाज लेड बाय वरियम कुन्नाथ कुमद हाजी हु वाज द मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस मालाबार रिबेलियन ऑफ 1921. तो किस पर्टिकुलर बंदे ने इसको लीड करा था इस मोपला विद्रोह को या मोपला रिबेलियन का हो या मालाबार रिबेलियन का हो सब एक ही चीज है सो so, इस पर्टिकुलर रिबेलियन को जिसने लीड किया था उसका नाम है वरियम कुन्नाथ कुन्हामद हाजी सो गाइस लाइकवाइज हम मोपला रिबेलियन की कुछ बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना

केरला के उन्होंने स्टार्ट किया था इस रिवोल्ट को अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड लॉर्स इन मलाबार और जगह में हुआ था इसीलिए इसके अलावा गाइज ये चीज भी है कि जो रिबेलियन था ये वाला दिस वॉज कंसिडर्ड अपर कास्ट हिंदू लॉर्स द पुलिस एंड ट्रूप्स एस जानवीज जो मोपला रिबेलियन था दिस वाज एन आर्म्ड रिवोल्ट इसमें ऑब्वियसली जो भी आर्म्स होते थे हथियार वगैरह उनका यूज किया गया था जो लीडर था जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इट वाज अ वरियम कुन्नाथ कुंज हामद हाजी तो ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है और जनवरी नाइनटीन में नाइनटीन में गवर्नमेंट ट्रूप्स कैप्चर्ड हाजी हु ऑज द हीरो पर्टिकुलर मोपला रेबेलियन इसीलिए वो ट्वेंटी वन में शुरू हुआ ट्वेंटी टू में खत्म हो गया क्योंकि जनवरी ट्वेंटी टू में जो भी uh, पुलिस और ट्रुप वगैरह थे उन्होंने uh, इसको कुनात, जो था, उसे पकड़ लिया था दट ब्रॉड टू एन एंड टू मोपला रेबेलियन ओके दैट वॉज ऑल अबाउट आई होप यू अंडरस्टूड उसको याद रखना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है

सो पर्सन एंड ये आपको मिनिमम एज दी गई है सात साल या उससे ऊपर जो होते हैं उन्हें साक्षर का दर्जा दे दिया जाता है अब उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पे देखो द द सेंसस सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी टेन इयर्स हर दस साल में सेंसस ऑफ इंडिया जो है ये सेंसस सर्वे कंडक्ट करवाती है किस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा होता है जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में कंडक्ट करवाया गया था और ये जो था ये सेंसस था आ, इंडिया का ठीक है अब जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट सॉरी सॉरी 2021 में जो हुआ था वो लास्ट था उससे पहले जो हुआ था 2011 में हुआ था अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका 2031 में सही है ना 21 में हो गया हाँ 21 में हो गया 11 में हो गया अब 2031 में देखने को मिलेगा बिकॉज इट है ओके okay, अब बात करते हैं लिटरेट पर्सन की कि किसको हम लिटरेट बोल सकते हैं इफ इन केस ही और शी इज एटलीस्ट सेवन ईयर ओल्ड कम से कम सात साल का हो कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज कम से कम एक लैंग्वेज तो उसको लिखना बोलना और पढ़ना आता हो ओनली देन इन दैट केस दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड लिटरेट एज पर सेंसेस ठीक है जो भी हमारे इंडिया की जनगणना है अकॉर्डिंग टू देंसिस टू थाउजेंड इलेवन जो लिटरेसी रेट थी इंडिया की वो थी सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट इसके अलावास्टैंड एनी वन लैंग्वेज उसको लिटरेट मान लिया जाता है अ पर्सन हु कैन ओनली रीड ठीक है अगर रीड करना आता है पर लिखना नहीं आता तो फिर आप उसको लिटरेट नहीं बोल सकते ठीक है दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए लिखना पढ़ना बोलना तीनों चीज आना चाहिए तभी आप उसको लिटरेट बोल सकते हो इन द सेंस बिफोर नाइनटीन हंड्रेड चिल्ड्रन बिलो फाइव इस ऑफ एज वेसरली ट्रीटेड एज इलिटरेट ऑब्वियसली पांच साल से छोटे हैं पर अब तो पांच साल से छोटे भी गाइज अच्छा खासा सीख जाते हैं बोलना करना वगैरह वगैरह

और जो लिटरेसी रेट है इन द कंट्री जो कि 74.04 परसेंट था जिसमें से 82.14 तो है मेल्स के लिए, है के लिए लिए और 65.46 है फीमेल्स इसके अलावा गए जो केरला है केरला ने रिटेन करी है अपनी पोजिशन बाय बीइंग ऑन टॉप मतलब केरला जो है वो लिटरेसी के रेट में और सॉरी लिटरेसी रेट की दौड़ में सबसे ऊपर है जिसमें नाइन्टी लिटरेसी रेट है केरला की एंड दैट्स वाई इट टॉप्स द चार्ट इसके अलावा लक्षद्वीप है जो कि सेकेंड नंबर पे आ जाता है 92.28% परसेंट के साथ और मिजोरम है थर्ड पे आ जाती है जो कि 91.58% के साथ इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो बिहार सबसे कम मतलब साक्षर देश सॉरी साक्षर जिले में है साक्षर स्टेट में है साक्षर राज्य में है बिकॉज बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी है जो कि लास्ट आता है कंट्री की <coughs> जो लिस्ट है उसमें उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ठीक है जो कि 66.95 परसेंट रखता है और फिर आगे आपका राजस्थान जो कि 67.06 परसेंट रखता है आज के समय की अगर हम बात करें तो जो फीमेल लिटरेसी लेवल्स है अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी रेट 2011 सेंसस वो एलेवन सेंसेस वो भरके हो गई है आपकी 65.46 और जो मेल लिटरेसी रेट है इट इज ओवर एटी सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट याद रखना ओके गाइज नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ स्टेट्स कौन कितनी लिटरेट है जिसमें मेल लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है ठीक है एक एक स्टेट का जान लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है सो गाइज नंबर वन पे हम बात कर लेते हैं बिहार की तो बिहार में लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ एटी परसेंट है जिसमें मेल की है सेवेंटी वन पॉइंट ट्वेंटी और फीमेल की है फिफ्टी वन पॉइंट फिफ्टी फिर है अरुणाचल प्रदेश सो गाइस हम नीचे से अगर आप देख सकते हैं तो वो नीचे से शुरू हो रहा है ठीक है कम से ज्यादा की तरफ आ रहा है तो सबसे कम बिहार हो गया फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है 65.38 जिसमें मेल की है 72.55, फीमेल की है 57.70, फिर आ गया आपका राजस्थान जिसमें राजस्थान में 66.11 लिटरेसी रेट के साथ 79.19 है मेल 52.12 है फीमेल फिर आ गया झारखंड सो गाइस झारखंड में लिटरेसी रेट आपका 60.41 है जिसमें 76.84 है मेल 55.42 है फीमेल नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में 67.02 लिटरेसी रेट के साथ 74.88 रहा है मेल का और 59.15 रहा है फीमेल्स का नेक्स्ट इज कश्मीर के लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं वो थीवन जिसमें मेल की है 76.75 और फीमेल की है 56.43. नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश तो गाइज उत्तर प्रदेश में है 67.68% परसेंट जिसमें मेल्स की है सेवेंटी और फीमेल्स की है फिफ्टी नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश तो गाइज मध्य प्रदेश में है आपकी 69.32 आउट ऑफ विच जो मेल लिटरेसी रेट है दैट इज 78.73 और जो फीमेल फिफ्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर परसेंट नेक्स्ट छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में आपके पास 70.28 लिटरेसी रेट के साथ जो मेल्स का है वो है एटी और जो फीमेल्स का है वो है सिक्सटी सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट द लिटरेसी रेट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रख लेना बिकॉज इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स आर देयर इन द इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है हंड्रेड और गाइज जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था तब जो थे वो थे नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट्स का कह सकते हैं आप नाइनटी सेवन टॉपिक्स बिकॉज यहाँ विषयों की बात हो रही है Okay, next is the Wildlife Protection Act was passed in which year? So, guys, it was passed in the year nineteen hundred अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम की सो so उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए कि भारत सरकार जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट यू नो एनवायरमेंटल जो भी अधिनियम एक्ट uh, आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल एक्ट जो पास किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं जिनमें नंबर वन आपका हो गया जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 वन संरक्षण अधिनियम जो कि फॉरेस्ट का मतलब देख, देखते हैं 1980 जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम नाइनटीन सो गाइज ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना पेपर में पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज लीचेस आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फाइलम दाइज ये भी क्वेश्चन ना रिपीटेडली पूछा जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है ये पहले भी पूछा जा चुका है तो आई मस्ट टेल यू गाइज इसको अच्छे से याद रख लो तो एनिलीडा जो, uh, जो होता है उससे रिलेट करते हैं लीचेस uh, जो होते हैं वो उससे बिलोंग करते हैं और लीचेस आपके लिए कहते हैं जैसे जोंक पॉपुलरली जो इंडिया में पाए जाते हैं जोंक अगर आप जानते हो जो कि फाइलम एनिलीडा का uh, एक स्पीशी है वो काफी इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में रिलेट करता है तो लीच जो होते हैं, जिसको सब क्लास भी बोलते हैं साइंटिफिकली दे आर एनी ऑफ अबाउट स्पीशीज ऑफ सिगमेंटेड वोम जिनको हम फाइलम एनिलीडा बोलते हैं एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय अ स्मॉल साक्का जिसमें उनके पास माउथ होता है एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी उनका जहाँ बॉडी का एंड आता है वहां पे होता है ठीक है और एक लार्ज सकर होता है दैट इज लोकेटेड एज द पुस्टीरियर एंड तो ये चीज भी आपके लिए जानना जरूरी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वॉज अ सक्सेस तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा में बिलीव करते थे और उन्होंने काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स किए थे जो कि अहिंसा से रिलेटेड थे वो मतलब अहिंसा के साथ ही सारे मूवमेंट्स भी करना चाहते थे और वो चीजों को सक्सेस भी बनाना चाहते थे तो गाइज उनमें काफी ऐसे भी थे जिन्हें सक्सेस नहीं मिला था ठीक है देवर अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स लेकिन जिनमें जो उनका चंपारण सत्याग्रह था ना दैट बिकम सक्सेस

उस पर्टिकुलर चीज के लिए महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह शुरू किया था नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म बॉम्ब आउट इज एसोसिएटेड विद गाइस जो वेट लिफ्टिंग होती है वेट लिफ्टिंग में ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है बॉम्ब आउट सो वेट लिफ्टिंग इज द करेक्ट आंसर Okay, question, so guys, में जो चीफ होते थे ना आर्मी उनको नाम दिया गया था, और काल में अधिकारियों को अलग अलग नाम से जाना जाता था मतलब अलग अलग चीफ ऑफिसर्स को अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए थे ऋग्वेद काल में तो वो क्या थे मी जस्ट टेल यू फॉर एग्जाम्पल नंबर एक तो आपको बताई दिया सैनानी सैनानी हो गया आपका द चीफ ऑफ द आर्मी अगला है रत्नी रत्नी किसे बोला जाता था जो राजा की सहायता करने वाले अधिकारियों अधिकारी होते थे उनको रत्नी नाम दिया गया था उसके अलावा है भागुद्रह भा, भागुदह भागुदह जो होते थे वो होते थे जो राजस्व संग्राहक को संभालते थे उसका टेक केयर करते थे उनको बाघुदह बोलते थे नेक्स्ट है ग्रामणी ग्रामणी बोलते थे जो गांव का मुखिया होता था वो कहलाता था अगला है पुरोहित तो जो राजा <laughs> सॉरी <coughs> जो पुरोहित होते हैं जो राजा के मुख्य सलाहकार होते हैं और लौकिक गुरु होते हैं उनको पुरोहित कहा जाता था नेक्स्ट है मध्यमासी, तो विवादों पर मध्यस्थ करने वाले जो होते थे उनको मध्यमासी कहा जाता था तो वो इम्पोर्टेंट नाम है जो कि रेग वैदिक काल में अलग अलग, अलग अधिकारी को दिए गए थे इम्पोर्टेंट है याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइम ऑफ डैम इज सलाल डैम तो गई इट्स अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ओके हुआ टू वॉक द कांस जो अभी रिसेंटली फिफ्थ रेडीडीड कार्पेट हुआ था उसमें भी उस कार्पेट को वॉक किया था एंड दैट्स वाई ही बिकेम द वेरी फर्स्ट फोक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वॉक द का रेड कार्पेट तो हम बात कर रहे हैं राजस्थानी सिंगर मामे खान की तो राजस्थानी सिंगर मामे खान इज द करेक्ट आंसर जो कि पहले भारतीय फोक आर्टिस्ट बन गए जिन्होंने कान को आ, कान पर वॉक करा 75th कान रेड कार्पेट पे सो so, राजस्थानी सिंगर मामे खान इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओके अब हम इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो गाइस जो uh, Boisterous होता है उसका आपसे पूछा गया था एंटेनिम तो इसमें आपके यहाँ पे uh, कुछ दे रखे हैं तो गाइज बॉयस्ट्रेस का बेसिकली मतलब होता है शोर गुल हल्ला गुल्ला मतलब वो तो हो गया इसका मतलब अब इसके एंटेनिम्स इसके ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट हो गए ओडोली सोलम सोबर सॉम्बरेफाइड एंड साइलेंट दीज आर पर्टिकुलर वर्ड इसी तरह आप से आपसे पूछा गया था यू कैन से दैट यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस इसका मतलब होता है गाइज वेन यू आर फूज टू चूज बिटवीन टू डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट ऑप्शन मानो जैसे हिंदी में नहीं बोलते हम एक तरफ कुआ एक तरफ खाई So, both the situations are like so critical and so difficult and also unpleasant that you might not choose any of those. So, that is called between a rock and a hard place. So, remember this too. सो यस गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दुडेज वीडियो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे आपके फोर्टीन अक्टूबर में जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एस एस का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए जीके जी एस और इंग्लिश के क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फिगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इनफो एल और अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सब में भेज देना उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा एंड इवन इफ यू आर लाइक गिविंग एस एस तब भी ये वीडियो देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपका पेपर लगाए तब भी ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट और अगर आप ये एग्जाम नहीं दे रहे हो तब भी देखो बिकॉज ये क्वेश्चन क्या करते हैं आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्योंकि हर एक पेपर में कुछ ना कुछ इस तरह से पूछा ही जाता है तो यस yes, आज के लिए बस इतना ही वी विल सी आवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन मच लव एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स